क्वारंटाइन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया, जिनके पॉजिटिव केसेस हैं उनको हमने हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चला। जैसे हमारा फर्स्ट बैच हमारा यहाँ पे 14 का पॉजिटिव आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी हुआ। इनकी डॉक्टर्स की हेल्प, पैरामेडिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव केयर की वजह से ये सक्सेसफुली घर जा रहे हैं। पेशेंट्स अब हो सकता है ज़्यादा भी आएँ, क्योंकि अब हमने सैम्पलिंग ज़्यादा की, अब हम बल्क में पेशेंट्स को सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, हमारे क्वारंटाइन सेंटर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अभी तक 45 थे, जो बाय नाउ हार्डली देर आर 3 or 4 सेंटर्स। अब हमारा सिर्फ हॉस्पिटल क्वारंटाइन तो जहाँ पे नेगेटिव के पेशेंट्स रखते हैं, और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो इंडेक्स पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स है मेनली, दो जो भी हमारे आते हैं उनको पहले, फिर हमको वन बाई वन सबको हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता सैम्पलिंग। तो इन केस दे आर पॉजिटिव तो उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर, इन केस दे आर नेगेटिव हमें हम 14 डेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन, उसके बाद 14 दिन हमको घर में रखकर उनको फॉलो अप होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द हॉस्पिटल स्टाफ। उनको फॉलो सुबह से शाम दिन में 2 बार हम फॉलो, या तो वो खुद कर लेते हैं हमें सेल्फ रिपोर्टिंग, या फिर हमारी टीम जाते, सर्विलेंस टीम जाते। प्लस अब कंटेनमेंट्स भी हो गए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, हमारे 25 जोन्स हो गए हैं, सम ऑफ देम आर 14 आर डिक्लेयर्ड एज रेड जोन्स। कुछ एरियाज़ के हमें कंटेनमेंट भी हो गए, जैसे छतापल में कंटेनमेंट हो गई, किसी को अंदर नहीं जाना, किसी को बाहर नहीं जाना, अनलेस ही बिलोंग्स टू एसेंशियल सर्विस। डोर टू डोर सर्वे हो रही है, जहाँ कहीं हमें लगता है सिम्टोमेटिक पेशेंट है या कुछ रिलेटेड टू कोविड होगा, उनको हम आइडेंटिफाई करते अकॉर्डिंग, उनको हम या तो इफ दे रिक्वायर होम क्वारंटाइन को ऐसी एडवाइजरी दे दें, या फिर अगर उनको लगता है उठाना पड़ेगा सैम्पलिंग, हम अपने साथ उठाकर सैम्पलिंग करें, अकॉर्डिंगली फिर उनका हम डील कर। इस वजह से हमारे काफ़ी पेशेंट्स तो आ रहे हैं सामने, या तो हम उनको कोशिश करें कि रुक जाए। और मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारी ये लॉकडाउन हो गया, इससे हमारे बहुत ही फ़ायदा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, इसके साथ कोऑपरेट करें और कर भी रहे इंशाल्लाह, इसी कोऑपरेशन से हमारे सक्सेस हो जाए अल्लाह ताला कर रहा हम, तो इससे हमें नजात मिलेगी। तो एज अ मैसेज क्या है जनरल, जो अपील है लोगों को कि व्हाट शुड यू डू, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सहमे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत सहमने की तो हकीकत तो है, ये बीमारी ऐसी जैसे कि मीडिया में भी आ रहा, सही आ रहा, गलत नहीं आ रहा, लेकिन ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। अगर थोड़ी बहुत एहतियात है, घर बैठे, घर से बाहर अननेसेसरी नहीं निकले बाहर, लोगों से मिलना जुलना नहीं करें, खासतौर पर जो भी बुज़ुर्ग हमारे हैं, या इसमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कुछ ऐसी डिजीज़ जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन लोगों को ज़्यादा ही एहतियात करना पड़ता है। एबो द एज ऑफ 60, 70, 80, इनके लिए ज़्यादा एहतियात करना है। अगर इंसान एहतियात कर इस बीमारी से इंसान दूर रह सकता है। अगर कोई पेशेंट है भी, उनके साथ भी एहतियात से पेश आना है। ऐसा नहीं कि इनके साथ हम बिल्कुल रबता ही काटें, दूर रहें, बट अगर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग से सब मेनटेन करें, अच्छे से अपना प्रोटेक्शन करें, पेशेंट को भी प्रोटेक्शन दे, तो हम इनके साथ अच्छे से डील्स। ऐसा नहीं कि इनको समझना कि ये कोई अछूत की बीमारी, ऐसा नहीं है, बट एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को हमारी मेरी मैसेज तो ये है, इन पेशेंट्स के साथ अच्छे से डील करें, अपना समझ अपने हैं, अपना ही समझना है, अगर किसी और का तब भी हमारे ही हैं, हम लोग भी काम करते हैं इनके साथ, हम हालांकि इनके अपने रिश्तेदार तो नहीं हैं, हम अपना समझ के इनके साथ डील कर उनको ठीक करके घर भेज रहे हैं। इससे बड़ी मैसेज क्या उसे इनके साथ अच्छे से, और जो भी एडवाइजरी डूज और डू नॉट्स इसके हैं, मतलब पहले सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, नॉट नेसेसरी सैनिटरी, ये आपके पास सैनिटाइज़र हो, हैंड वॉशिंग दिन में 10 बार 30 बार करो, 20 सेकंड के लिए अच्छे से साबुन से धो लो, और इनके साथ ज़्यादा आपस में घुल मिल नहीं जाओ, यही है सबसे। और इनके ये समझना कि बीमारी अल्लाह ताला रहम करे, जितना हम एहतियात करें इतना ही बीमारी हमसे।